बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान गनी, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज जीरो बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एंगल्स। तो आज मैं एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लेते हैं स्टार्ट टॉपिक, सबसे पहले लाइन से। तो सबसे पहले मैंने एक टॉपिक लिख लिया लाइन। तो लाइन हमारे पास किसे कहते हैं? लाइन हमारे पास उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये कहां से स्टार्ट हुई है और कहां पर खत्म हुई है। तो लाइन उसे कहते हैं कि जिसका स्टार्ट भी नहीं पता और एंड भी नहीं पता। अब इसके बाद ये आप लोगों का हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारे पास है इसका, उसका नाम है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है। लाइन का स्टार्ट और एंड हमें नहीं पता था। लाइन सेगमेंट का स्टार्ट मुझे पता है कि वो ए से स्टार्ट हुई है, बी पे खत्म हुई है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में हमारे पास ये फर्क आया कि लाइन का स्टार्ट एंड पता नहीं है, लाइन सेगमेंट का स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक जिसका नाम है रे। अब रे हमारे पास किसे कहते हैं? रे हमारे पास उसे कहते हैं जिसका स्टार्ट तो आप लोगों को पता होता है कि एक चीज आप लोगों के पास स्टार्ट कहां से हुई है, लेकिन उसके एंड के बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये रहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें हमारे पास, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब बात आती है चैप्टर के नाम पे, एंगल। एंगल किसे कहते हैं? क्या एंगल लाइन बनाते हैं, क्या एंगल लाइन सेगमेंट बनाते हैं, या एंगल रे बनाते हैं? तो मैंने टिक लगाया रे पे कि जब, अब एंगल की डिफिनेशन आप लोग सुन ले। एंगल हमारे पास कहती है जब दो रे, एक ये रे और एक ये रे, एक कॉमन पॉइंट पे टच कर ले, एक रे ए और एक रे बी, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे टच कर ले तो इस दौरान बनता है एंगल। तो ये रहा हमारे पास एंगल की डिफिनेशन। तो अब मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स बताऊंगा। तो टोटल मेरे पास 6 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप्स हैं। तो बारी बारी बयान करूंगा। पहले टाइप का मतलब है, नाम है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारे पास किसे कहते हैं? वो एंगल जो 90 से कम आए, यानी 0 से लेकर 0 1 2 से लेकर 89 तक, यानी 90 से कम है ना, तो ये वाले जो एंगल होंगे इनका नाम होगा एक्यूट एंगल। 0 से लेकर 89 तक के एंगल्स का नाम एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल हमारे पास उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ 90 का एंगल आ जाए। अगर आपको कोई फिगर यानी कोई ट्राइंगल नजर आया जिसमें 90 का एंगल है, उसका नाम है राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कौन सा एंगल है? देखिए हम 1 2 3 आ रहे हैं, 0 से लेकर 89, इसके बाद क्या आ गया आपके पास? 90। इसके बाद 91 स्टार्ट हो गया ना। तो 91 से लेकर 179 तक के एंगल का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? एक वाइड एंगल। 180 वाले एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीट एंगल हमारे पास कहते हैं 360 वाले एंगल को कहा जाता है कंप्लीट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? 181 से लेकर हमारे पास 359 तक के जो एंगल होते हैं उनका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो टोटल मैंने आप लोगों को 0 से लेकर 360 तक के एंगल्स के नाम बता दिए, जो इन 6 टाइप्स में डिफाइन थे।